टैक्सी सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी उबेर ने उड़ने वाली टैक्सियों के विकास की संभावनाओं को तलाशने के लिए अमेरिका के प्रमुख अंतरिक्ष संगठन नासा से समझौता किया है। इस समझौते के बाद जो है नासा द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि वह तथाकथित रूप से हवा में उड़ सकने में जो सक्षम वाहन है उनके प्रारूपों का परीक्षण जल्द ही शुरू करेगा। इन वाहनों में जो है डिलीवरी ड्रोन भी शामिल होंगे। दोस्तों डिलीवरी ड्रोन वे ड्रोन होते हैं जो कि सामान की डिलीवरी करने में सक्षम होते हैं। यह घोषणा जो है लॉस एंजल्स में हुए उबर एलिवेट समिट में की गई, जहां शहरी विमानन के भविष्य पर चर्चा करने के लिए तकनीक और परिवहन से जुड़े कई दिग्गज लोग शामिल हुए थे। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा कि डालास फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट में उसके अनुसंधान केंद्र पर इन टैक्सियों के प्रारूपों का जो है परीक्षण किया जाएगा। दोस्तों बता दें उबेर ने जो है नवंबर 2017 में भी नासा के साथ पहला स्पेस एक्ट किया था, इसके बाद यह उसका दूसरा समझौता है। दोस्तों क्या है इस गठबंधन की विशेषताएं और किस प्रकार से ये फ्लाइंग टैक्सी काम करेगी, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो बने रहें दोस्तों हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। सबसे पहले जानते हैं कि इस गठबंधन की क्या विशेषताएं हैं। उबर की ओर से घोषणा की गई कि उसकी पहले घोषित की गई उबर एयर पायलट योजना में लॉस एंजल्स भी जो है भागीदार होगा। नासा की UTM यानी कि मानव रहित यातायात प्रबंधन परियोजना में उबर की भागीदारी कंपनी के 2020 तक अमेरिका के कुछ शहरों में उबर एयर की विमान सेवा प्रायोगिक तौर पर शुरू करने के लक्ष्य को पाने में मदद करेगी। एयर ट्रैफिक को देखते हुए सर्विस स्लॉट तैयार किए जाएंगे, इससे 100 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट रोजाना चलाए जा सकेंगे। इस समझौते के तहत नासा पैसेंजर एयरक्राफ्ट का डाटा उबेर से लेगी। इससे पहले डलास फोर्ट वर्थ टेक्सास और दुबई भी इसमें शामिल हो चुके हैं। चलिए अब जानते हैं कि ये फ्लाइंग टैक्सी कैसे काम करेगी। सेवा के शुरू होने पर स्मार्टफोन में एक ऐप के जरिए पास में मौजूद फ्लाइंग टैक्सी के लिए ऑर्डर किया जा सकेगा। फ्लाइंग टैक्सी खुद आपके पास पहुंचेगी और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगी। यह टैक्सी GPS के सहारे उड़ान भरने में सक्षम होगी और जल्द ही इस तरह से तैयार किया कर दिया जाएगा कि रास्ते में पड़ने वाले अनजान चीज़ों से भी यह बचकर निकल सके। विश्व भर के शहरों में बढ़ती भीड़भाड़ और जाम की समस्या को देखते हुए सड़क की बजाय आसमानी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है का ऑप्शन तलाशना शुरू हो गया है। दुबई ने भी 2018 के अंत तक 2 सीटों वाली फ्लाइंग टैक्सी सर्विस शुरू करने की जो है घोषणा की है। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि जो उबेर और नासा हैं वे उड़ने वाली टैक्सियों को बनाने के लिए प्रयासरत हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल नॉलेज वैन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।